हमारे पास क्या है, इस तरह की उसने फिगर दी हुई है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है जी वाई एक्सिस। अब उसने स्टेटमेंट भी जोड़ी दी हुई है, ये स्टेटमेंट का डेटा मैंने यहाँ लिखा हुआ एक ही करके आपको मैं बता देता हूँ। स्टेटमेंट आप ये समझने के बाद स्टेटमेंट एक रीडिंग आप देंगे, स्टेटमेंट को एक दफा रीड करेंगे तो आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। अब वो ये कह रहा है, ये ग्रेडिएंट का फार्मूला लिखा हुआ, अब वो ये कह रहा है कि लाइन वन इज, ये देखो जो डबल लाइन है लगाई है ना जी वाली, ये लाइन इसका मतलब होता है पैरेलल, मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको पैरेलल लिखने के लिए डबल लाइन लगा देते हैं, पैरेलल पढ़ते हैं, अदरवाइज आप स्पेलिंग भी लिख सकते हैं पैरेलल। कह रहे जो लाइन वन है ना वो पैरेलल है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये लाइन वन है, ये लाइन वन है, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। दूसरी बात करते हैं कि लाइन वन जो है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के, लाइन जी। अब ये देखो ये लाइन जी है, ये लाइन जी जो है ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, यहां से यहां और यहां से यहां, ये दोनों लाइनें आपस में वो पैरेलल है। फिर कहते हैं कि लाइन टू इज पैरेलल टू लाइन फाइव, ये जो लाइन टू है ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है ये वाली, ये लाइन फाइव के पैरेलल है, और लाइन फोर इज पैरेलल टू लाइन सिक्स, ये जो लाइन फोर है ये वाली और ये लाइन सिक्स है, ये कह रहे हैं आपस में पैरेलल। फाइंड करने के लिए हमें कह रहा है कि राइट डाउन द ग्रेडियंट ऑफ लाइन वन टू थ्री फोर, कह रहे हैं कि लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री लाइन फोर के, लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री लाइन फोर के ग्रेडियंट फाइंड करें, जबकि दो लाइन फाइव और लाइन सिक्स के ग्रेडियंट उसने हमें दे दिए, ये दो चीजें वो बताएं, इसलिए मैंने वन और टू इसको दे दिया। ये तो ये सारा डिवन आप बेशक डिवन की हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है, ये ग्रेडियंट में ग्रेडियंट ऑफ लाइन फाइव जो है वो कह रहे हैं माइनस थ्री है, ग्रेडियंट ऑफ लाइन सिक्स जो है वो वन बाई टू है, यहाँ तक तो बात आ गई क्लियर हो। अब हमें क्या करना है आगे फाइंड करना है कि आप अपने हुए एज वी नो दैट ग्रेडियंट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज इक्वल टू जीरो, जे हमें पता है पिछले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना उसका ग्रेडियंट क्या होता है, उसका ग्रेडियंट जीरो होता है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट जो है वो जीरो है तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, ये लाइन वन है, तो इसलिए हमारे पास जो ग्रेडियंट आएगा ग्रेडियंट ऑफ लाइन वन इज इक्वल टू जीरो, उसने कहा था ग्रेडियंट ऑफ लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री फाइंड करें, हमने उसे बता दिया कि जो ग्रेडियंट ऑफ लाइन वन है भाई उसका तो जीरो है, क्यों जीरो है हमने पहले बता दी, हमें पता है कि वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का तो ग्रेडियंट जीरो होता है। उसके बाद आगे वो कहते हैं कि लाइन लाइन टू की बात करता है, इस लाइन वन हमने फाइंड करी लाइन टू, लेकिन लाइन टू से पहले मैं लाइन थ्री का ग्रेडियंट फाइंड करूंगा, वो क्यों फाइंड करूंगा, क्योंकि ये मैंने रेज कर लेना है कुछ चीजें, तो इन दोनों में कुछ कंपैरिजन है मतलब कुछ कंसेप्ट है इसलिए। अब मैं क्या करूंगा कि एज फिर लिखूंगा एज भी हो जाए, एज भी हो जाए ग्रेडियंट ऑफ वर्टिकल लाइन, ग्रेडियंट ऑफ वर्टिकल लाइन क्या होता है अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड यह पढ़ चुके हैं पिछले वाले जो क्वेश्चन नंबर थ्री में हमने पढ़ा, क्वेश्चन नंबर टू में हमने इसका जिक्र किया, क्वेश्चन नंबर वन में हमने इसका जिक्र किया, तो अभी भी आप हमेशा याद रखें ग्रेडियंट ऑफ वर्टिकल लाइन जो होते हैं ना वो क्या हमेशा क्या होगा अनडिफाइंड है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ लाइन थ्री इज इक्वल टू अनडिफाइंड, लाइन सी का भी हमने यही लाइन वन को सिखा था फाइंड कर लिया, लाइन सी का भी फाइंड। अब लाइन सी वर्टिकल लाइन है, जिस लाइन सी वर्टिकल लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस आपको वर्टिकल होता है, तो वर्टिकल लाइन है लाइन सी, इसलिए उसका जो ग्रेडियंट होगा वो अनडिफाइंड होगा, तो इसलिए देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ग्रेडियंट ऑफ लाइन वन, ग्रेडियंट ऑफ लाइन वन, लाइन वन हॉरिजॉन्टल है इसलिए उसका जीरो है, और लाइन सी वर्टिकल है इसलिए इसका क्या है अनडिफाइंड। तो अभी हमें क्या है ये थोड़ा सा बता दें
अभी जो है मैं इसकी लाइन मेरे पास कौन सी रहेगी, दो लाइनें रह गई, टू और फोर रह गई, वो छोटी सा है उससे कंप्लीट होकर बता दो। अब क्या है कि लाइन टू इज लाइन टू इज पैरेलल टू लाइन फाइव, लाइन टू इज पैरेलल टू लाइन फाइव, लाइन टू लाइन फाइव के पैरेलल है, इसलिए ग्रेडियंट ऑफ लाइन टू इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ लाइन फाइव, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो लाइन पैरेलल है उनके ग्रेडियंट क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे वर्टिकल थी, जे वाई एक्स वर्टिकल है, लाइन जी वर्टिकल है, तो वाई वाई का क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, तो ये वर्टिकल लाइन थी भी तो वाई एक्स के पैरेलल थी, दोनों जो है वो अनडिफाइंड हुआ। अब देखो तो ग्रेडियंट क्या है, लाइन फाइव का ग्रेडियंट क्या है, ये देखो ग्रेडियंट ऑफ लाइन फाइव इज इक्वल टू माइनस थ्री, ये देखो मैं माइनस थ्री लिखूंगा, ग्रेडियंट ऑफ लाइन टू इज इक्वल टू माइनस थ्री, लाइन टू का भी हमने फाइंड कर लिया, लाइन फोर का रहेंगे। इसी तरह मैं क्या करूंगा कि इसी तरह मैं चेंज कर लूंगा, बेशक यहां पे अपने वीडियो पास में जो था मैं इसी में चेंज कर लूंगा, लाइन फोर इज पैरेलल टू लाइन मैं सिक्स कर दूंगा और इधर लिखूंगा जी सिक्स, नहीं इधर लिखूंगा फोर, लाइन ग्रेडियंट ऑफ लाइन फोर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ लाइन सिक्स बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अब देखो ग्रेडियंट ऑफ लाइन फोर, ग्रेडियंट ऑफ लाइन फोर इज इक्वल टू वन बाय टू, क्यों, ग्रेडियंट ऑफ लाइन सिक्स वन बाय टू से खुद दे दिया था, अगर लाइन टू का लाइन सिक्स का ग्रेडियंट वन बाय टू है तो लाइन फोर का भी वन बाय टू होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, इसलिए ये वाला लाइन फोर और लाइन सिक्स दोनों आपस में पैरेलल है, इसलिए इनके ग्रेडियंट भी आपस में इक्वल होगा।